सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों में बढ़िया कबाब खाने का मजा ही कुछ अलग है। आज एक बढ़िया ऐसे कबाब लेके आ रहा हूं आपके लिए जो बनेगा पॉम्फ्रेट फिश से, पॉम्फ्रेट भी कहते हैं इसको, तंदूरी पॉम्फ्रेट बनाएंगे बिना तंदूर के एक बढ़िया से अवन में। चलिए, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, मजेदार रेसिपी है, तो चलिए बनाते हैं बढ़िया तंदूरी पॉम्फ्रेट, प्यार से इसे पापलेट भी कहा जाता है। अब पॉम्फ्रेट को समझना बहुत जरूरी है। ये जो यहाँ पर इसके फिन्स हैं ये कटेंगे, तो सबसे इजी तरीका है एक कैंची ली जाए और कैंची से ये इसके साइड के फिन्स काट दिए जाए, क्योंकि ये जब मुंह में आते हैं ना तो मजे नहीं आते। और यहाँ पे साइड में छोटे फिन्स होते हैं वो भी काट देंगे, अंदर से गट तो साफ होना ही चाहिए। तो मछली साफ करने का और डीबोन करने का एक और वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, उसे आप देखिएगा। अब पॉम्फ्रेट में लगाए जाएंगे गैशेस। अब कुछ लोग गैशेस सीधे लगाते हैं, होटल्स में गैशेस थोड़े इस तरह से राउंड लगाते हैं, चॉइस इज योर्स, देखने में ब्यूटीफुल दिखते हैं वो लगाते हैं, तो हम लोग थोड़े से राउंड गैशेस लगाएंगे। नाइफ टेढ़ा किया इस तरीके से 40 डिग्री के एंगल पर, बोन तक छुआ दिया, करीबन 3 से 4 गैश, ताकि इवननेस भी रहे, अच्छा भी दिखे और साथ में मसाला अंदर तक पहुंचे। अब कोई भी कबाब या टिक्का हम बनाते हैं उसमें दो मैरिनेशन करने बहुत जरूरी है। पहला मैरिनेशन सिंपल होता है, दूसरे मैरिनेशन में ज्यादा फ्लेवरिंग होती है। तो पहला मैरिनेशन में सिंपल नींबू, नमक, मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कोई तामझाम नहीं, सिर्फ लेमन जूस को सीधा फिश पे डाला जाए। अब इसमें डालेगा जी थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हमारी जो मछली है ना अंदर तक फ्लेवर जाएगा इसके, तो दोनों तरफ से थोड़ी सी हल्दी, हल्की सी लाल मिर्च। टिक्कों में, तंदूरी चीज़ों में काला नमक अच्छा ज़्यादा टेस्ट देता है, इसलिए नॉर्मल नमक की जगह पे आई यूज़ काला नमक, एक अच्छी सौंधी खुशबू देता है। और साथ में 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इन सारी चीज़ों को मिलाकर अच्छे से अंदर तक मसाज की जाए। नींबू, मिर्ची, जिंजर गार्लिक पेस्ट इसे सारा बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी, और जो एक्सेसिव फिश स्मेल अगर किसी को नहीं अच्छी लगती तो वो इससे निकल जाती है। फर्स्ट मैरिनेशन रेडी। चिकन को जब भी हम टिक्का बनाते हैं तो हम बोलते हैं कि ओवरनाइट मैरिनेट करो, लेकिन फिश और प्रॉन को ओवरनाइट मैरिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका फ्लेश सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी नींबू, अदरक, लहसुन जो है उसके अंदर रिएक्ट करने लग जाता है, और फिश अगर ओवरनाइट आपने मैरिनेट कर दी तो फट जाएगी, तो इसलिए 1 घंटा बस। अब बनेगी सेकेंड मैरिनेशन, और उसके लिए वही ट्रिक, आपने तंदूरी चिकन देखा होगा ना, नहीं देखा अभी देख लो जाके, नो प्रॉब्लम, वहीं पे जहाँ पे था सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी कर लेना, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर लेना अपने दोस्तों के साथ। जो भी परात है उसे गर्म करना है, क्योंकि सरसों का तेल इसमें जाएगा और बढ़िया सुनहरा पीला और लाल कलर जो है ना वो कलर से नहीं आएगा, वो इस मिक्सचर से आएगा। वार्म सरसों का तेल, उसमें देगी मिर्च का पाउडर करीबन 2 छोटे चम्मच और 1/2 चम्मच हल्दी। अब बड़े ध्यान से, क्योंकि हो सकता है कि तेल और पैन दोनों बहुत ज़्यादा गर्म हो, इसलिए एकदम से हाथ मत लगाइएगा, अगर गरम है तो उसे छोड़ दीजिए वार्म होने तक, जब तक आप इसे हैंडल कर सकें। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कलर। अब यही सुनहरा कलर मछली में आ जाएगा। अब साथ में डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब फ्लेवरिंग जो है फिश कबाब, फिश टिक्का, चिकन टिक्का,
ये सारी बेस यही है, इसी में चेंजेस होते रहते हैं। अब जैसे कि इसमें मैं मस्टर्ड मिलाने वाला हूँ, यानी कि सरसों का पेस्ट। अब वो सरसों का पेस्ट आप मस्टर्ड का पेस्ट आप डब्बा खरीद सकते हैं, नहीं तो थोड़ी सी काली मस्टर्ड है उसे विनेगर में सोक कर लीजिए रात भर और फिर सुबह उसे पीस लीजिए बढ़िया से एक हरी मिर्च डाल के, तो वो जो उसका कड़वाहट है वो भी निकल जाएगी और चरमराहट से भरी बढ़िया मस्टर्ड पेस्ट तैयार हो जाएगी। तो आप इसमें मस्टर्ड डाल सकते हैं, आप इसमें कसूरी मेथी डाल सकते हैं, अलग अलग फ्लेवर कर सकते हैं। मस्टर्ड पेस्ट एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए फिर इसमें डाला जाएगा थिक दही। अब दही को या तो आप टांग लीजिए, टांगने का मतलब यह है कि मलमल के कपड़े में दही को छोड़ दिया, लटका दिया और जो उसका एक्सेस पानी है वो निकाल लिया। अब ये दही को अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि ये एक समान एक मिक्सचर बन जाए। तेल गर्म था, दही ठंडा था, दोनों को मिक्स किया तो एक ही मिक्सचर बन गया। अब ये मैरिनेशन तैयार। अब इसमें फ़िश को लगाया जाएगा और आधे पौने घंटे छोड़ दिया जाएगा। अभी जो फ़िश मैरिनेट की गई है इसे इसमें अच्छी तरह से लपेट दिया जाए। अगेन सेम प्रोसेस कि जो गैशेस बनाए हैं उसके अंदर तक मैरिनेशन डाल दीजिए ताकि फ्लेवर अंदर तक चले जाए, और फिर जब आप इसे आधे एक घंटे के लिए छोड़ेंगे तो बढ़िया से फ्लेवर अंदर टकाटक हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, अगर आप तवे पका रहे हैं ना तो एक सिंपल सी टिप, आप इसमें डालें थोड़ा सा भुना हुआ बेसन तो वो दही को पकड़ लेगा और दही पानी बन के बह नहीं जाएगा। दोनों तरफ से बढ़िया से मैरिनेशन इसमें लगा दिया जाए और बाकी बचा हुआ मैरिनेशन इसके ऊपर लेप लगा कर रख दिया जाए। अब इसे आराम से आधा एक घंटा आराम करने दो, क्योंकि उतना टाइम चाहिए फिश के अंदर तक सारे इस बढ़िया ब्यूटीफुल फ्लेवर को घुसने के लिए। अब हम लोग जो है तंदूरी पॉम्फ्रेट को ना ओवन में पका रहे हैं। अरे हंसना मत यार, मतलब नाम तंदूरी पॉम्फ्रेट है, पकाने का तरीका तंदूर तो नहीं है उतना घर में। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर तंदूर का सरिया है तो सरिये के अंदर घुसा के उसको तंदूर में पका दो, भट्टी पे बना दो, और वो सब नहीं है तो ओवन में बना दो, नहीं तो पैन में बना दो। अब इसे बेसिकली रखना है और ओवन में डाल देना है, एकदम हॉट ओवन। कितना वाला? 220, उसमें 10 मिनट। जितना बचा हुआ मैरिनेशन है ऊपर से डाल दो, क्योंकि मैरिनेशन तो बहने वाला है ना, जितना रुक जाए उतना बढ़िया। अब ये जो फिश है सीधे OTG के अंदर पकेगी, बढ़िया से हॉट होना चाहिए, एकदम प्री हीटेड 220 डिग्री पे, और 10 से 12 मिनट डन हो जाएगा। आप कहेंगे यार आपने अच्छी सी मछली की रेसिपी तो दिखा दी, साथ में चटनी कहाँ है? यहाँ है चटनी, देखो हमारी मैडम जी वाली रेसिपी बहुत ही सिंपल लेकिन अमेजिंग टेस्ट, बस फ्रेश बननी चाहिए। थोड़ी थोड़ी बनाओ, हमेशा बनाओ, फ्रेश बनाओ। तो उसके अंदर धनिया है जी, नो मिंट, ओनली धनिया। अब हमारी मैडम की रेसिपी मतलब उनकी मम्मी की रेसिपी, तो ये हरी चटनी जो है ना घर में हमेशा पीसी रहती है थोड़ी सी। इतने धनिए में 2 मिर्ची, करीबन 8 से 10 लहसुन, भुना हुआ जीरे का पाउडर करीबन 2 छोटे चम्मच, और साथ में नमक या काला नमक, टोटली योर चॉइस। खटास के लिए नींबू, और अब इसे बढ़िया से फाइन पीस दो, पानी नहीं डालना। धनिया में इनफ पानी है, हरी मिर्च में है, गार्लिक में है, नींबू जूस डाल दिया ना, पानी नहीं डालना, नाइस एंड थिक फाइन। ये देखो जी मैडम जी वाली बढ़िया हरी हरी ग्रीन चटनी तैयार है, एकदम तड़ाकेदार है। अब मछली को निकाल लिया जाए क्योंकि वो भी तैयार है, नहीं तो मरी हुई मछली को वापस नहीं मारते है ना। लो जी बढ़िया सी मछली तैयार, अब प्लेट किया जाए और एंजॉय किया जाए तंदूरी उर्फ अवन वाली मछली का।
थोड़ा सा नींबू, प्याज, चाट मसाला और बहुत सारा प्यार हमारे प्रिय धनिये के साथ। लग रही है ना बिल्कुल वही तंदूरी प्लेटर घर पे बनाया जी आपके लिए। आप बना सकते हैं इसे बिल्कुल सेम टू सेम। चलिए बना लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और अगर किया है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।